मेरे फादर ही इंस्पिरेशन है मेरे बैडमिंटन स्टार्ट करने के पीछे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था हमको क्योंकि काफी एक्सपेंसिव गेम है ये, तो स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम हुआ जब कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं थे। और मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज करती हूँ, जैसे चिकन और नॉनवेज काफी यूज करती हूँ मैं अपने डाइट में, और राइस और रोटी वगैरह, तो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा, वैसे ही मेरा डाइट आता है। मैं 2024 के ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हूँ, इस तो मुझे इंडियन प्लेयर्स काफी इंस्पायर करते हैं। नमस्कार, जी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तोशी और आप देख रहे हैं india.com। तो आज हमारे साथ ऐसी एक खिलाड़ी मौजूद है जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ तस्नीम मीर की, जो कि under-19 बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी है। ऐसा कारनामा इस अभी तक भारत में कोई नहीं कर पाया है, भले ही वो पीवी सिंधु हो या सायना नेहवाल हो। तस्नीम मीर ने भारत का नाम जो है रोशन कर दिया है। वेलकम तस्नीम। तो थैंक यू। तस्नीम, सबसे पहला सवाल कि कैसा महसूस, वो फीलिंग कैसी थी वर्ल्ड नंबर 1 बनने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पहली इंडियन गर्ल बनी हूँ जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी है, और बहुत काफी खुशी थी और बहुत प्राउड फील हो रहा था। जी तस्नीम, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम सब लोग जानना चाहेंगे कि कब से आपकी बैडमिंटन की शुरुआत हुई, कब से आपने खेलना शुरू किया, कैसी थी आपकी जर्नी अभी तक? मैं जब 7 इयर्स की थी तब से मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, और अपने मेरे फादर ही कोच है तो वो मुझे स्टेडियम ले जाते थे और मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करने जाती थी, और मैंने वहीं पे रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट किया और धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस देने लग गई। मैं स्टेट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगी, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद मैंने सोचा कि मैं बैडमिंटन को ही अपना करियर की तरीके से बनाऊंगी। तो 7 साल की उम्र से आपने शुरुआत करी अपने बैडमिंटन की, तो मतलब इससे पहले क्या इंस्पिरेशन था आपको, किससे इंस्पिरेशन मिली कि आपको बैडमिंटन खेलना चाहिए? पहले आपने एकदम ऐसे एज अ हॉबी शुरू किया, या फिर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक प्रोफेशन की तरह मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ? तो कोई इंस्पिरेशनल पॉइंट जब आपको महसूस हुआ कि आपको बैडमिंटन खेलना चाहिए? हाँ, मेरे फादर ने मुझे पहले से ही बैडमिंटन में डाला था, तो मेरा कोई ऐसा चॉइस नहीं था कि मैं कोई और स्पोर्ट भी ज्वाइन करूंगी, तो मैं पहले से ही बैडमिंटन देखती आ रही हूँ, तो मैं इसी को अपना करियर बना ली थी जब से मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी। तो मेरे फादर ही इंस्पिरेशन है मेरे बैडमिंटन स्टार्ट करने के पीछे। ओके, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक फादर हाँ आपके सबसे बड़े इंस्पिरेशन है आपके इस उपलब्धि के पीछे, इस करियर के पीछे, जिसको आपने एक ऐसे ही शुरुआत करी और फिर अपना एक करियर बना लिया। तो तस्नीम, अगर हम बात करें तो आपका प्रैक्टिस, आपका डे कैसा शुरू होता था? जब आप 7 साल की थी तब आप कैसे प्रैक्टिस करती थी, कितने घंटे आप बिताती थी अपनी प्रैक्टिस में, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ आपका बैडमिंटन करियर? मैं दिन में 6 to 7 hours बैडमिंटन का ही प्रैक्टिस करती हूँ मोस्टली, और मेरा ज्यादा दिन बैडमिंटन को ही जाता है। और काफी सालों से मैं मतलब पहले मैं 2 साल गोपीचंद एकेडमी में प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मैं 2018 में मिक्स डबल्स खेलना स्टार्ट की थी, तो मेरा पार्टनर जो था वो आसाम से था, तो मैं वहीं वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, तो मुझे वहाँ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा लगा जो ट्रेनिंग का माहौल था, तो मैंने फिर वहीं पे 4 साल से आसाम में ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, और वहाँ पे इंडोनेशियन कोच है जो एडविन इरावन है, उनके अंडर में ही मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो कोच काफी सायना सिंधु को ट्रेनिंग करा चुके हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड कोच है, तो काफी अच्छा प्रैक्टिस वहाँ पे मिलता है मुझे। जी तस्नीम, तो सबसे पहले आपने बताया कि अपने फादर के साथ आपने ट्रेनिंग करनी शुरू करी, उसके बाद अब आपके कोच जो हैं वो बदल चुके हैं, तो वो ट्रांजिशन आपके लिए कैसा था? क्योंकि हमेशा से आप अपने फादर के साथ एक मतलब एक होमली इन्वायरमेंट होता था, तो वो ट्रांजिशन फेज कैसा था, और आपके फादर को वो अडॉप्ट करने में कैसा, उनके लिए कैसा सफर था? पहले काफी साल तक मैं अपने पापा के साथ ट्रेनिंग करते रही, पर यहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे जो मेरे को जो जिस लेवल का प्रैक्टिस चाहिए वो मिल पाए, इसलिए फिर मुझे अपना एकेडमी चेंज करना पड़ा और मुझे हैदराबाद जाना पड़ा,
तो मतलब पापा हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं मेरा ट्रेनिंग में, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग चल रहा है तो मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कैसा, अगर ठीक नहीं चल रहा तो वो कुछ प्लान अलग से बताते हैं। तो मतलब कहीं भी चले जाओ पापा ऑलवेज इन्वॉल्व ही रहते हैं इस चीज में। ये तस्नीम, तो हमने देखा है कि हर खिलाड़ी के सफर में कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो कोई ऐसा चैलेंज जो आपके जर्नी में अब तक की जो आपको काफी दिक्कतों का आपको कोई सामना करना पड़ा, या फिर किसी ट्रेनिंग को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? काफी एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था हमको, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव गेम है ये। तो स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम हुआ जब कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं थे और परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए स्पॉन्सर्स का प्रॉब्लम होता था और टूर्नामेंट्स खेलने में भी काफी प्रॉब्लम्स होती थी। पर उस टाइम पापा के फ्रेंड्स जो सर्कल है उन लोगों ने, डॉक्टर्स वगैरह ने काफी हेल्प किया, तब मैं टूर्नामेंट्स खेल पाई। और फिर जब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात ने काफी, गवर्नमेंट ने काफी हेल्प की, जिससे मैं काफी टूर्नामेंट्स ट्रैवल की, और OGQ जो मेरा स्पॉन्सर है वो काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं टूर्नामेंट्स खेल पाई और मेरा रैंक काफी इम्प्रूव हुआ। तो ये एक भारत में एक ऐसी चीज है कि जब भी कोई भी चैलेंज आता है, जैसा कि आपने बोला कि आपके फादर, उनके फ्रेंड्स, कई सारे लोग जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं कि जब टैलेंट होता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना हाँ चाहिए। तो आपकी जर्नी में भी हमने ये देखा कि कुछ जरूर कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स थे, लेकिन आप अपने चरम तक पहुंच गए और आपने उनको पूरा एक रिजल्ट दिया, वर्ल्ड नंबर वन आपने बन के दिखाया। तो अभी आप गुजरात की बात कर रही थी क्योंकि आप गुजरात से हैं, और एक खास बात हमें पता चली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गांव और आपका जो प्लेस है वो बहुत आसपास में है, तो इस हाँ वजह से आपको एक अलग एक कॉन्फिडेंस महसूस होता होगा, या फिर किसने आपको हाँ कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अभी हमने देखा सचिन सर ने भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया। हाँ मुझे काफी सारे सेलिब्रिटीज जो है वो उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है, करीना कपूर, काफी सारे बड़े सेलिब्रिटीज, और मुझे बहुत ही खुशी खुश मतलब बहुत ही खुश फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटीज मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ मैं इस चीज को लेके अभी। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का घर और आपका घर एकदम साथ साथ में है, तो हाँ इससे हाँ क्या वो एक फीलिंग आती है यहीं आपको? पे, हाँ वो मेहसाणा से ही है और मैं भी मेहसाणा से ही हूँ, तो मतलब उन्होंने तो काफी गुजरात को काफी इम्प्रूव किया है, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए काफी स्पॉन्सर्स जो मिले मुझे उन्हीं की वजह से मिले, तो काफी अच्छा लगता है कि सेम जगह से एक अच्छा नाम निकल रहा तो अब है। मेहसाणा जो है वो पीएम मोदी ही नहीं बल्कि तस्नीम के नाम से भी आप जाना जाएगा, तो ये एक हाँ देश के लिए बहुत गर्व वाली बात है। तो तस्नीम, अब बात करते हैं खिलाड़ी के करियर में ओलंपिक मेडल जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है, तो हाँ आपका क्या सपना है? अब आपका क्या, अब महज 16 साल की उम्र में आपने ये खिताब जीता, तो आपकी जर्नी अभी काफी लंबी है, तो आप क्या क्या माइलस्टोन्स अपने लिए पाना चाहती हैं? हाँ मैं सीनियर टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहूंगी और सीनियर इंटरनेशनल ज्यादा खेलना चाहूंगी, जिससे मेरा सीनियर में भी अच्छा रैंक हो और ओलंपिक्स में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल जीतूं इंडिया के लिए। आप किस ओलंपिक्स में, आप कौन से ओलंपिक्स में, अब उसकी किसकी तैयारी कर रही हैं, अभी जो आने वाला है या फिर उसके बाद वाला? मैं 2024 के ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए मुझे अपना सारा बहुत काफी मेहनत करनी होगी इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो खेलना और सीनियर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके जो अच्छा परफॉर्म करना हो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं उसी के लिए एम करूंगी। जी तस्नीम, तो ओलंपिक के लिए तो हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होगा ही, खास तौर पे और भी जो अभी सीनियर टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं डाइट की और फिटनेस की। किसी भी खिलाड़ी के लिए डाइट फिटनेस जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है उनके गेम की, तो आपकी क्या स्पेशल डाइट है, फिटनेस रूटीन है? तो आपका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, क्या खाती हैं आप, जरा एक उस पर आप हमें गौर फरमाएं। मेरा डाइट, मेरी डाइटिशियन है जो मुझे डाइट चार्ट बना के देती है, तो टूर्नामेंट्स और ट्रेनिंग सेशंस के हिसाब से एक चार्ट बन के आता है मेरे लिए, तो उसी को मैं फॉलो करती हूँ। अगर मुझे
एनर्जी, अभी मैं एनर्जी डाइट यूज मतलब पे हूँ, तो मुझे जिस हिसाब से मुझे डाइट चाहिए उस हिसाब से मेरा डाइट चार्ट बन के आता है। तो काफी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है जो नहीं खा सकती है, खा सकती मैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए और सही नहीं होगी मेरा करियर के लिए। इसलिए मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज करती हूँ, जैसे चिकन और नॉनवेज काफी यूज करती हूँ मैं अपने डाइट में, और राइस और रोटी वगैरह, तो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा, वैसे ही मेरा डाइट आता है। जी तस्नीम, तो ये थी आपकी डाइट और प्रैक्टिस रूटीन। वही हम बात करिए, जब आपने वो खिताब जीता तो सबसे पहला फोन कॉल किसको गया? मेरे को मेरे मम्मी ने बताया था वहीं पे, तो मैंने किसी को कॉल वगैरह नहीं किया था, पर जैसे ही थोड़ा टाइम गया मेरे को बहुत सारे कॉल्स आने लग गए थे उस टाइम, तब मतलब तो सबसे पहला न्यूज़ तो मम्मी ने ही बताया। तो उनका रिएक्शन कैसा था? मम्मी काफी खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे कि बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत प्राउड फील हो रहा था उनको। जी, तो ये तो एक सब पेरेंट्स के लिए एक खुशी की बात होती है। वही तस्नीम, अगर हम अपनी भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें से आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बनकर कौन उठता है? काफी प्लेयर्स जो है वो बहुत इंस्पायर करते हैं, उनका स्टोरी बहुत थी, क्योंकि हर एक प्लेयर, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो उनका स्ट्रगल्स बहुत ही रहता है, भले ही वो आगे उनका जो विनर का ट्रॉफी दिखे पर पीछे बहुत ही स्ट्रगल्स रहते हैं। तो मुझे, जैसे ही मैंने मूवी देखा था साइना का, मैं काफी इंस्पायर हुआ था उस मूवी से, तो वो काफी स्ट्रांग है और उनका मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे इंडियन प्लेयर्स काफी इंस्पायर करते हैं। तो ये थी हमारी वर्ल्ड नंबर वन तस्नीम की कहानी, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत है महज 7 साल की उम्र से करी। उसके बाद उनके फादर ने उनको ट्रेन किया, फिर वो बाकी लेवल पर खेलना उन्होंने शुरू किया, और आज वो बन गई हैं वर्ल्ड नंबर वन अंडर 19 बैडमिंटन की कैटेगरी में। दो उसके दौरान उन्होंने काफी सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी, और आज रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है। तो तस्नीम, आगे के और जितने भी आपके मैचेस, टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, उन सभी के लिए आपको अभी से ही ऑल द बेस्ट हम बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू तस्नीम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी मीडिया की ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद।